चलती है सीएनजी पे? 250+ निकाल देती है। पांच लोग आराम से बैठ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिचम बिचा हो, बिचम बिचा नहीं हो रही। मतलब ये खुराक मंत्री रखा हुआ है अपने गाड़ी के अंदर, है खुराक मंत्री बढ़िया से करके। भाई 250 किलोमीटर चलती है एक सिलेंडर पे, मतलब 700 से 750 रुपए में। मतलब भाई अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो गाइस स्वागत है आपका 47 नेशन में और मैं होती का आपके साथ। तो गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है 2022 टाटा टियागो ICNG, जो कि होने वाली है बहुत ही क्रेजी गाड़ी। भाई ने 2022 के अंदर लिए काफी मॉडिफिकेशन ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि मैं आपको गाड़ी के अंदर आगे वीडियो में कवर करेंगे। CNG वाली है स्पेसिफिकेशन, मेन तो ये है कि CNG वाली गाड़ी ICNG कंपनी फिटेड आती है, फैक्ट्री फिटेड नहीं। ये चीज़ जो है आप एक बार ध्यान देना, कंपनी फिटेड है, फैक्ट्री फिटेड नहीं है। गाड़ी के अंदर जो हमने CNG लगी हुई है कंपनी से, टाटा ही लगा के देती है। इसका पूरा रिस्पांस बताएंगे, कितने किलोमीटर चलती है गाड़ी, गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रही है, अलॉय लगाने के बाद गाड़ी की जो एवरेज होती है वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, क्या होता है, कैसे कैसे जो मिथ्स होते हैं आपके सारे के सारे आज बस्ट करेंगे, सारी की सारी चीज़ें बताएंगे और सारी की सारी चीज़ें कवर करते हैं। सबसे पहले मिलवाता हूँ आपको ओनर से, और ओनर के बाद ओनर से रिव्यू लेंगे और उसके बाद दिखाएंगे आपको पूरी गाड़ी कि गाड़ी किस तरीके से मॉडिफाई हुई है। तो गाइस सबसे पहले गाड़ी रहने वाली है अपनी 2022 ICNG XM मॉडल है गाड़ी टियागो। बिल्कुल भाई ने एकदम नीट एंड क्लीन गाड़ी कर रखी है, साफ सुथरी, एक नॉट इवन ए सिंगल स्क्रैच ऑन कार, जैसे कि आप देख रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गाड़ी के अंदर हुई है बहुत ही टेस्टफुली मॉडिफिकेशन, जैसे कि आप देख रहे हो गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, जबकि भाई ने इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन कराई है काफ़ी बेसिक है, बट उसके बाद भी गाड़ी इतनी प्यारी लग रही है। मैंने जब फोटो देखी थी तो मुझे लगा था बहुत ही बेसिक है, बट सामने से जब मैंने गाड़ी देखी है ना तो काफ़ी डिफरेंस आया। तो सबसे पहले आपको मैं ओनर से मिलवा देता हूँ, जो कि है हमारे साथ गौरव भाई। गौरव भाई घुसा हो जाए पहले, तो कैसे हो आप, सब बढ़िया? पहली बात तो भाई, भाई को शाउट आउट है, भाई आए हैं बहादुरगढ़ से ना, भाई बहादुरगढ़ से आए हैं साकेत, और मतलब ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। पीछे ग्रेनेड खड़ी हुई है अपनी, और भाई इतनी दूर से आए हैं। सबसे पहले तो भाई को आई लव यू है इस बात के लिए, क्योंकि भाई इतनी दूर से आते हैं ना जब भाई, तो बड़ा दिल खुश होता है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था, वरना हम कहीं बीच में बिड में मिल लेते, शूट करेंगे और आपके लिए लेके आएंगे कुछ बढ़िया सा कंटेंट। तो इसी बात पे क्या करना है आपको, करना है वीडियो को लाइक। अभी क्या करते हैं वीडियो में, सबसे पहले फ्रंट से बात कर लेते हैं। फ्रंट में गौरव भाई अगर बात करी जाए तो आपने क्या क्या इसके अंदर मॉडिफिकेशन फ्रंट में करा रखी है? भाई मैंने इसमें ना स्मोक करा रखी है, ये स्मोक मैंने चैलेंजर का जो आगे से फेस है ना उसको देखते हुए कराई। हाँ, काफी डेविल लुक आ रही है, ताकि वो सीधा मतलब ब्लैक, एक ब्लैक पोर्शन है उसके अंदर पूरा कवर हो जाए, ये स्टांस आए पूरा। तो मैं आपको एक छोटा मोटा मोटा बता देता हूँ फ्रंट के अंदर, जैसे कि आप लाइट्स देख रहे हो ना, ये स्मोक हुई हुई है 50% विजिबिलिटी के साथ, ये स्मोक हुई हुई है इसके ऊपर। साथ में इसके ऊपर इन्होंने आईलाइट्स बनवाई हुई है, जो कि रैप से बनी हुई है, काफी एक अच्छी गाड़ी को लुक दे रही है, क्योंकि मर्ज हो रहा है साथ में लाइट हेडलाइट के वो, और जो स्मोक इन्होंने कराई है उसके अंदर लाइट के अंदर डिफरेंस मतलब फर्क नहीं आता, दिक्कत नहीं होती लाइट में, हल्का फुल्का, लेकिन पर एलईडी है ना तो काम चल जाता है, एलईडी में काम चल जाता है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होती। तो भाई एलईडी इन्होंने इसके अंदर लगाई हुई है, भाई बता रहे हैं काफी अच्छा रिस्पांस है, तो मेरे हिसाब से काफी सही लग रही है। और मैं आपको साइड से कुछ लुक दिखा दूं ना, तो ये देखो ब्लैक जो ये बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल एक स्टांस आ रहा है, ऐसा लग रहा है पूरी ग्रिल है, बट जबकि वो ग्रिल नहीं है पूरी की पूरी। नीचे इन्होंने इसके अंदर विनाइल लगाई हुई है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो पूरी की पूरी यहाँ पे गिरता हुआ एक विनाइल का स्टिकर लगा हुआ है, काफी एक अच्छी लुक दे रहा है फ्रंट के अंदर। इसके अंदर प्रोजेक्टर भी आप ऐड कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ भाई ने नहीं कराए हुए। गाड़ी जैसे कि बेस से एक ऊपर मॉडल है, तो गाड़ी के अंदर फ्रंट के अंदर इतनी अभी फिलहाल मॉडिफिकेशन है 2022 के हिसाब से, भाई काफी अच्छी चीजें कराई हुई है और काफी बढ़िया लग रही है। और CNG गाड़ी के अंदर इतनी मॉडिफिकेशन जब देख लेता हूं तो दिल खुश हो जाता है मेरा। बात करें कुछ साइड की, तो साइड का कुछ स्टांस इस तरीके से आता है, काफी प्यारी लग रही है गाड़ी, और काफी मतलब जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा वीडियो के अंदर, थंबनेल भी आपने देख ही लिया होगा, तो गाड़ी काफी क्लासी लग रही है 2022 टियागो के हिसाब से। मेरे हिसाब से अभी तक का कोई ऐसा रिव्यू है नहीं जिसके ऊपर 2022 टियागो इस तरीके की बना रखी हो किसी ने। तो भाई गाड़ी के अंदर जो अलॉय लगे हुए हैं, ये कितने इंच के अलॉय हैं? भाई ये 14 इंच के अलॉय हैं। 14 इंच के अलॉय लगाए हुए हैं आपने, नियो कंपनी के अलॉय हैं जो इसके अंदर लगे हुए हैं। 14 इंच के व्हील हैं, मल्टी स्पोक व्हील है इसके ऊपर। साथ में इन्होंने इसके ऊपर अपना डिफॉल्टर वाला जो है इसके ऊपर पूरा वो लगाया हुआ, जो कि है टायर स्टेयर जिन्हें बोलते हैं हम, रबर के होते हैं। और टायर इसके अंदर चाइनीज लगा हुआ है कि ओरिजिनल है? नहीं नहीं भाई, ये कंपनी फिटेड है गुडियर का, जो साथ आता है कंपनी फिटेड है, जो गुडियर का कंपनी के साथ आता है। और साथ में अगर मैं आपको शीशे दिखा दूं इसके साइड मिरर, जिसके ऊपर इन्होंने करा रखे कमेलियन रैप, जो कि कलर चेंज करती है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से दिखाऊंगा अलग दिखेगा, यहाँ से दिखाऊंगा अलग दिखेगा। तो काफी अच्छा एक गाड़ी के अंदर ना लुक आ रहा है, साइड से काफी प्यारी लग रही है। डोर हैंडल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे क्रोम, जो कि काफी बेसिक मॉडिफिकेशन है, बट ऑल दो बहुत ही अच्छी एक फीचर ऐड करती है गाड़ी के अंदर, जो कि बहुत ही गाड़ी को बनाती है प्यारी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही चीज़ें बनती हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं। जैसे कि आप पीछे आ जाते हैं, अब पीछे सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा मॉन्स्टर स्पॉइलर, नहीं बोलेंगे हम इसको, बोलेंगे बैटमैन स्पॉइलर, जैसे कि देख रहे हो कुछ इस तरीके से लुक देता है, और काफ़ी अच्छा लगता है गाड़ी के ऊपर। पीछे का ना जो मिरर है पूरा का पूरा कमेलियन के अंदर, इसको टेंट बोलते हैं, कौन से वाले टेंट बोलते हैं इसको?
रेनबो टेंट, रेनबो टेंट इन्होंने इसके ऊपर कराई है, जो कि काफी अच्छे लुक दे रही है। अंदर विजिबिलिटी भी है और एट द सेम टाइम आपको ये विजिबिलिटी कम भी दिखती है और काफी एक अच्छा पीछे एक अच्छा सा एक लुक ऐड कर देती है पीछे गाड़ी के अंदर। ऑल दो इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं है, बट इन्होंने इसके अंदर टिप्स ऐड करी है जो कि HKS की भी कैमेलियन रैप के अंदर है, और इसके अंदर लगा हुआ है कस्टम एग्जॉस्ट, कस्टम एग्जॉस्ट लगाया हुआ है जो कि इन्होंने लगाया था साइलेंसर गैरेज से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लोगो वेन्नी भैया से। पीछे इन्होंने जो अपने टेल लैम्प्स है, टेल लैम्प्स के ऊपर अगेन 50% स्मोक लाइट जो है इसके ऊपर लगाई हुई है। ये देख लो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए ICNG का बैज, जैसे कि आप देख रहे हो CNG वाली जो अपनी बढ़िया टियागो भाई ने मॉडिफाई करी है। भाई कितनी चलती है CNG पे? भाई ये 250 प्लस निकाल देती है भाई। सही में कितने कितने में फुल होती है ये? अभी फिलहाल तो यही कोई 700 रुपए में 250 किलोमीटर। ओ भाई साहब, मतलब अलॉय लगने के बाद मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं। क्या बात है भाई, 250 किलोमीटर चलती है एक सिलेंडर पे, मतलब 700 से 750 रुपए में। मतलब भाई अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है, CNG बहुत महंगी हो गई है। मेरे हिसाब से जब 42 रुपए थी तब तो मैं मतलब मेरे हिसाब से काफी बढ़िया सस्ता पड़ता होगा, ऐसा लगता होगा कि तो मतलब एक मतलब 350 रुपए में 250 किलोमीटर, समझ रहे हो आप कि मतलब कोई वो ही नहीं हो रहा कि मतलब एक रुपए का एक किलोमीटर पड़ रहा है, जो कि बहुत ही एक बढ़िया बात है। मतलब ऋषिकेश पहुंच जाओगे यहाँ से सीधा 250 किलोमीटर में, 700 रुपए में जाना और 700 रुपए में आना। एनीवेज गाड़ी का इंटीरियर देखो भाई, मुझे ना सबसे ज्यादा क्या पसंद आई आपके अंदर चीज गौरव भाई, गाड़ी ना एक मिट्टी का कहीं पे भी ना कण नहीं है। मतलब कहीं भी देख लो गाड़ी, टायर तो ऑब्वियसली हो गई, टायर के अलावा कहीं पे भी कण नहीं है, मिट्टी का एकदम साफ सुथरी गाड़ी चमकाई हुई। और यही ना एक मॉडिफिकेशन जो पसंद करता है उस इंसान की जो है ना वो होती है स्पेशलिटी की, भाई साफ रहती है गाड़ियाँ। कलर देखो कितना प्यारा कराया हुआ है भाई, पर्सनली मजाक से बता रहा हूँ मुझे पसंद आ गया, मैं बाहर से नजर नहीं आ रहा था बट ग्रीन कलर बहुत प्यारा लग रहा है। बॉटल ग्रीन बोलते हैं इसको। मैंने ये ना एक इंस्टाग्राम पे कोई बॉम्बे का पेज था शायद, पता नहीं गोवा का, तो मैंने उसके अंदर ये कलर देखा था, तब मैंने वहां से कलर उठाया था और फिर मैंने। क्या बात है भाई, काफी प्यारी लग रही है और ब्लैक के साथ काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कोई हॉच पॉच नहीं करी भाई ने, सीट कवर बनवाया ग्रीन कलर के, इसके अंदर डायमंड कट ऐड हुआ है जो कि बहुत ही एक प्यारी लुक दे रहा है। देखो स्टीयरिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा पूरा का पूरा, स्टीयरिंग भी साथ में सेम कलर का बॉटल ग्रीन। पीछे भी मैं आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से लुक आती है भाई, देखो ग्रीन इसकी। और काफी अच्छा स्पेस है भाई टियागो में, मेरे हिसाब से बढ़िया स्पेस है ना। नहीं ठीक है, पांच लोगों के लिए, पांच लोग आराम से बैठ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बीचम बिच्चा बिचम बिच्चा नहीं हो रही, मतलब दिख रहा है मेरे को। देखो सीट आगे वाली कितनी आगे है और उसके बाद भी काफी स्पेस है, इजीली एक बंदा बहुत ही बढ़िया से बैठ जाएगा, और उस वाली में और ज्यादा स्पेस है क्योंकि भाई ने और आगे करी हुई है। तो एनीवेज गाड़ी लग रही है बहुत ही प्यारी अंदर से, जैसे मैं आपको लुक दिखा देता हूँ कि बाइक की किस तरीके से लुक आती है। XM मॉडल है, बेस से एक ऊपर मॉडल है, तो इस तरीके से कुछ गाड़ी की लुक आती है अंदर से। पीछे हमने लगाई हुई है बेस ट्यूब जो की है CNG की बेस ट्यूब तो ये CNG का पूरा सिलेंडर लगा हुआ है जो कि 12 लीटर का सिलेंडर है। काफी अच्छी फिटिंग है, कंपनी फिटिंग का यही फायदा होता है, जैसे कि आप देख रहे हो काफी बढ़िया है। ऑल दो आपको इसके अंदर स्पेस नहीं मिलेगा भाई। टायर कैसे निकालते हो इसमें से? भाई सीट आगे कर देते हैं तो उसमें से आगे से निकल जाता है, तो मतलब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट आगे करी, क्या बात है। और भाई ये CNG के काम आता है, ये किस काम आता है? तो बहुत भारी लग रहा है मुझे। अच्छा ये खुराक मंत्री रखा हुआ है अपने गाड़ी के अंदर है, खुराक मंत्री बढ़िया से करके। सही है भाई, ये खुराक मंत्री होना भी चाहिए, और भाई जहाँ से आ रहे हैं बहादुरगढ़ से वहां तो जरूर होना चाहिए, वहां तो मिलते रहते होंगे ऐसे कोई ना कोई जो है उड़ते हुए बंदे। इसके अंदर लगी हुई है साथ में जो है अंडर बॉडी लाइट जिसको बोलते हैं, जो कि अंडर ग्लोइंग लाइट भी बोलते हैं, और भाई क्यों यही बोलते हैं इसको, तो भाई ये इसके अंदर लगी हुई। तो भाई ये ग्रीन कलर में जलती है, और भी कोई कलर है? और भी कलर रिमोट है इसके साथ, रिमोट है, कोई सा भी कलर कर लो भाई। तो ग्रीन अभी फिलहाल जल रही है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी दिन हो रहा है थोड़ा सा दिख नहीं रही होगी, बट आपको मेरे हिसाब से काफी अच्छी विजिबिलिटी आ रही होगी, काफी बढ़िया लग रही है गाड़ी के अंदर और काफी एक अच्छी लुक आती है, और लग रहा आ रहा है मजा गाड़ी को देख के। और RGB कलर के अंदर होती है, तो कलर चेंज कर रहे हैं भाई। ये हो गया ब्लू, ये हो गया दोबारा से ब्लू, रेड, तो ग्रीन, कुछ भी कलर कर सकते हो, सारे कलर आते हैं इसके अंदर। मेरे हिसाब से ग्रीन और ब्लू ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और काफी बढ़िया लुक दे रहे हैं। एक बार आपको इसके इंस्टाग्राम पे रील डाल देंगे, रील वहां पे आप जाके फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है IAM AK47, सामने स्क्रीन के ऊपर नाम आ रहा है, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। भाई वीडियो अगर पसंद आई तो क्या करना चाहिए जनता को? लाइक सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए, और पसंद आए तो शेयर भी कर देना। गौरव भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इसी बात पे घुसा हो जाए गौरव भाई जैसे भाई की हमें जरूरत है, जो अपनी गाड़ियों को अप्रिशिएट कराना चाहते हैं। अगर आपको भी अपनी गाड़ी अप्रिशिएट करानी है तो आप हमें हमारे चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम IAM AK47 मेरे स्क्रीन के ऊपर नाम आ रहा है, वहां जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो हम वहां जाके इजीली आपको वो करेंगे। भाई अपना इंस्टाग्राम हैंडल बताओ अगर किसी को आपको देखना हो इंस्टाग्राम पे, तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके भाई को फॉलो कर सकते हो। इस गाड़ी के बारे में और कुछ पूछना हो तो भाई से डायरेक्ट पूछ लेना, भाई आपको इंस्टाग्राम के ऊपर बता देंगे। अभी बहुत कुछ आने वाला है,
तो पार्ट टू की तैयारी कर लें। अच्छा, और एग्जॉस्ट भी हो सका तो अब रीवार वेल्वोट्रॉनिक होगा। वेल्वोट्रॉनिक होगा तो भाई भाई करने वाले हैं मोटा खर्चा गाड़ी के ऊपर। पार्ट टू की तैयारी कर लो, जल्दी दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू गाइस, बाय बाय।